चिट यूजी मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई। कोर्ट की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अब 38 याचिकाओं पर सुनवाई आने वाली 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। सुनवाई के लिए 11 जुलाई को कोर्ट में नीट का केस 40 से 45 मामले पर लिस्ट किया गया था। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने नीट मामले की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख दी गई थी। कोर्ट ने 10 जुलाई की शाम तक एनटीए, केंद्र सरकार, सीबीआई और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने का समय दिया था। सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे। एनटीए ने हलफनामे में कहा कि पेपर लीक का जो वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हुआ था वो फेक है। देश भर में 4 जून के बाद से एनटीए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी हैं। केंद्र सरकार ने 22 जून को नीट केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब तक पेपर लीक केस की जांच 7 राज्यों तक पहुंच चुकी है, जिसमें अब तक 42 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक 7 राज्यों से हुई 42 गिरफ्तारियां, बिहार से 17 गिरफ्तार, गुजरात से 6 गिरफ्तार, महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तार, झारखंड से 11 गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल से 1 गिरफ्तार, राजस्थान से 4 गिरफ्तार और उत्तराखंड से 1 गिरफ्तार। इससे पहले सीजीआई की बेंच ने 8 जुलाई को मामले की पहली सुनवाई की थी। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स, एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं से रिपोर्ट मांगी थी। चलिए नीट यूजी विवाद मामले में अब तक क्या कुछ हुआ बताते हैं। नीट विवाद में अब तक क्या क्या हुआ। 5 मई एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट किया। 6 मई एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया। 17 मई सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट होल्ड करने से मना किया। 1 जून नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ एससी में याचिका दायर हुई। 4 जून नीट यूजी का रिजल्ट आया। 67 छात्रों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। 8 जून एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स, 719-718 नंबर मिले, जिसके बाद ग्रेस मार्क्स के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी दिन एनटीए ने प्रेस वार्ता कर जांच के लिए पैनल गठन किया। 9 जून एनटीए की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के खिलाफ याचिका दायर की। काउंसलिंग पर रोक, री एग्जाम की मांग की गई। 11 जून एससी ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। 13 जून ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम कराने की घोषणा की गई। 14 जून एससी में नीट यूजी विवाद की सीबीआई जांच की मांग उठी। एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में जवाब मांगा। 16 जून शिक्षा मंत्री ने माना एनटीए से गड़बड़ी हुई है, सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। 18 जून ग्रेस मार्क से जुड़ी तीसरी याचिका पर सुनवाई हुई। 22 जून एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यों की टीम गठित की गई। 2 जुलाई देश भर में एनटीए के विरोध में प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। 4 जुलाई 56 छात्रों ने री नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 8 जुलाई एससी में नीट मामले में सुनवाई की। केंद्र सरकार, एनटीए, सीबीआई और रीटेस्ट की मांग कर रहे छात्रों से 10 जुलाई तक जवाब मांगे। 10 जुलाई केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सौंपा। बता दें, देश की अदालतों में 2021 से हर साल नीट से जुड़े 60 मामले सामने आए हैं। 2021-2024 तक नीट से जुड़े कितने मामले कोर्ट में आए? 2021 में 71 नीट से जुड़े मामले आए, 2022 में 57 मामले सामने आए, 2023 में 44 मामले दर्ज किए गए, 2024 में सबसे ज्यादा 71 याचिका दायर की गई। पिछले 4 सालों में कोर्ट में करीब 873 मामले दर्ज हुए। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाएं लगाई गई हैं। इनमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने लगाई।
जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने लगाई हैं, जिस पर फैसला आना था, जो 18 जुलाई तक टाल दिया गया, जिसके बाद फैसले की राह देख रहे 24 लाख छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया।